हेलो किड्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो किड्स, टुडे आई एम हेयर विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर मैथ्स बुक, दैट इज शेप्स एंड स्पेस। किड्स, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ शेप्स किया था, आज हम चैप्टर नंबर 1 को पेज नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस ट्राई 1.1। टेक द ऑब्जेक्ट्स that have the same shape as the given solid shapes. One is done for you. इसने क्या बोला बेटा, उन ऑब्जेक्ट्स को हमें टिक करना है कि जो गिवन शेप के, जिसकी उसके जैसी ही शेप हो। एक इसमें करके दिखाया हुआ है, ये आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है। फर्स्ट इज ये देखिए स्फेयर, स्फेयर जो है बॉल जो हमारी होती है वो स्फेयर जैसी होती है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ कॉन। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इसमें हमने यही देखना है कि कॉन की तरह कौन सा ऑब्जेक्ट दिखता है। अब ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये हमारा क्यूब है, बट दिस वन इज लुकिंग लाइक कॉन, ये हमारा कॉन के जैसा है। सेम, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये कौन सा, क्या शेप है इसकी, ये हमारी क्यूब है, कौन सी शेप है ये, क्यूब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल एंड स्लाइड, रोल एंड स्लाइड। अब देखेंगे रोल कौन सी चीज़ें होती हैं और स्लाइड कौन सी। लुक एट द बॉल, अ बॉल हैज़ अ कर्व्ड फेस सो इट रोल्स, इसका ये जो है कर्व्ड फेस है इसलिए ये रोल करती है। अ डाई हैज़ अ फ्लैट फेस, जो डाई है इसका फेस जो है ये फ्लैट होते हैं सो इट स्लाइड्स। अब ये देखिए कुछ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल दिए हैं और इधर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल दिए हैं। जिनके फ्लैट फेस होते हैं बेटा वो स्लाइड्स होते हैं, और जिनके कर्व फेस होते हैं वो रोल्स करते हैं। लेट अस ट्राई 1.2। राइट आर फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट रोल एंड एस फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट स्लाइड। वन इज डन फॉर यू, वन जो है ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है। इसमें ये देखिए जिसका भी फ्लैट फेस है वो स्लाइड है, और ये इधर देखेंगे कर्व फेस है तो ये रोल है। ठीक है बेटा, बाकी सब आप खुद से करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, बॉक्सेस एंड ब्रिक्स स्लाइड बिकॉज दे हैव स्लाइड। कौन से होते हैं, जिनके फ्लैट फेसेस होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल, लेमन रोल बिकॉज दे हैव अ कर्व फेसेस, जो रोल करते हैं उनके फेसेस कैसे होते हैं, कर्व्ड। नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, अ क्यूबॉइड हैज फ्लैट फेसेस सो इट रोल्स और स्लाइड्स। अगर फ्लैट फेसेस होते हैं तो बेटा वो क्या करते हैं, स्लाइड्स। A sphere has a curved face, so it rolls. Curved face अगर होता है तो curve अगर होता है, curved अगर किसी का face है तो वो roll करते हैं। Next is flat shapes. Flat shapes के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, आज फिर से हम देखेंगे flat जो होते हैं shapes जो होती हैं वो। Firstly, this is a line. Next, ये देखिए 3 sides हैं, 3 corners हैं, this is a ट्रायंगल एंड नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट हैज 4 कॉर्नर्स। एंड नेक्स्ट इज दिस इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट बेटा Let us try 1.3. Join the dots to make some flat shapes. One is done for you. ये देखिए आपके लिए यहाँ पे एक rectangle इन dots से बनाया हुआ है। Same आप ऐसे ही square, triangle इसमें बना सकते हो, और भी shapes आप इसमें draw कर सकते हो। Next is match the objects with the names of their
शेप्स वन इज़ डन फॉर यू। ये देखेंगे अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा आपको उनकी शेप्स के साथ उनको मैच करना है। जैसे स्पॉन्ज ये वन यहाँ पे ऑलरेडी डन है। ये क्या है? क्लॉक है। क्लॉक कैसी है? सर्कल इन शेप। सो इसे हम सर्कल से ये मैच किया हुआ है। सेम हम बाकी शेप्स को उनके नेम के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज आउटलाइन ऑफ सॉलिड शेप्स। अब ये देखेंगे आप दिस शेप यू द शेप यू गेट इज अ रेक्टेंगल। ये देखो यहाँ पे क्या है? ये क्यूबॉइड है बेटा। क्यूबॉइड को जब हम इसकी आउटलाइन एक पेपर पे करेंगे तो इससे हमें कौन सी शेप मिलेगी? रेक्टेंगल। सेम ये देखेंगे क्यूब की जब हम आउटलाइन करेंगे तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? स्क्वायर। और स्फेयर की जब हम आउटलाइन करेंगे तो सर्कल। द शेप यू गेट इज अ सर्कल। एंड जब हम कोन की कोई भी आउटलाइन करेंगे कोन की पेपर पे रखे तो हमें ट्रायंगल मिलेगी। द शेप यू गेट इज अ ट्रायंगल। कौन सी शेप मिलेगी हमें? ट्रायंगल। नेक्स्ट लेट अस ट्राई 1.4। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ अ न्यू इरेजर एंड अ कॉइन। राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स ऑब्टेन। दिस इज़ एन एक्टिविटी बेटा। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। आप यहाँ पे इरेजर रखोगे अपनी न्यू इरेजर और फिर उसको आउटलाइन उसकी बनाओगे और खुद से आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन सी शेप मिली है। सेम इस साइड आप क्या करोगे? आप एक कॉइन रखोगे, कॉइन की आउटलाइन बनाओगे और फिर नीचे राइट करोगे विच शेप यू गेट। आपको कौन सी शेप इससे मिली। नेक्स्ट इज मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द शेप्स दैट यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग देम ऑन अ पेपर। अब फिर वही आ गया बेटा, ये कुछ शेप्स दी हैं, इनको जब हम पेपर पे ट्रेस करेंगे तो हमें कौन सी शेप मिलेगी। ये देखेंगे कोन, जब कोन को हम ट्रेस करते हैं तो हमें ट्रायंगल मिलती है। इसको ट्रायंगल से मैच किया हुआ है। सेम आप बाकी सभी शेप्स को मैच खुद से करेंगे। सो किड्स आज आप पेज नंबर 13 तक, यहाँ तक टिल एक्सरसाइज नंबर 1.4 आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।